Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Man Imperfect. In a previous lecture, we discussed SLO number 9.2.7, जिसमें हमने AND, OR, और ऑप्शन सी जो है NOT, ये तीन ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था. ओके, तो ब्रीफली बिल्कुल सिंपल वाले बच्चों वाले तरीके से मैंने समझाया हुआ है. इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो एंड इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, देन आई सजेस्ट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले वो वीडियो देख लो. बिकॉज ऑपरेटर्स अगर आपने इस चैप्टर में क्लियर कर लिए, देन सी प्रोग्रामिंग बच्चों का खेल है. ऑपरेटर्स किस तरह से यूज हो रहे हैं, ये समझो आपके लिए सिपाही की तरह है. जंग में सिपाही को यूज किस तरह से करना है वो जान लो तो जंग आपके हाथ में. सिमिलरली ऑपरेटर्स को जिस तरह से आप यूज करना सीख गए तो आपके पास प्रोग्रामिंग आपके बाएं हाथ का खेल है. सो आज बहरहाल आगे बढ़ते हैं. दैट इज 9.2.8. वी आर रिकॉर्डिंग योर लेक्चर नंबर 18 ऑफ कंप्यूटर साइंस सीरीज. सो यहाँ पे कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आपके पास इक्वल टू की साइन है एक बार, और दूसरा कह रहा है एंड इक्वल टू ऑपरेटर, जिसमें आपने इक्वल टू की साइन यूज की है दो बार. ओके, तो यहाँ पे सिंपल है कि एक डिफरेंस ये कि आपको एसएलओ में बता रहा है कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये इक्वल टू का ऑपरेटर है, जो बेसिकली आपके पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसको आपने यहाँ पे स्टडी किया था एसएलओ नंबर 2.6 में. ओके, इक्वल टू का ऑपरेटर जो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ जाता है. सो असाइनमेंट ऑपरेटर है आपके पास ये वाला, और ये वाला आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है. एक तो ये आपके पास डिफरेंस हो गया. दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि आपके पास ये वाला जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो मैंने ये कहा उसी में से मेन डिफरेंस मैं बना रहा हूँ कि इसमें से आप क्या करेंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे, वैल्यूज देंगे. इसमें से आप क्या करेंगे, वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे. ओके, तो इसका काम कुछ अलग है, इसका काम कुछ अलग है. हालांकि ये एसएलओ होना ना चाहिए था, तो भी आपको इस चीज का पता होना चाहिए था. रीजन इज दिस, ये ना बच्चों वाली चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज हो गए ना तो आपने दे दिए पेपर भाई एके यूबी के. सो छोटी सी चीजों पे कंफ्यूज मत होना. असाइनमेंट करना है तो आप एक बार इक्वल टू की साइन लगाएं, और दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो आप इक्वल टू, ये दो बार इक्वल टू की साइन लगाएं. तो ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग का एसएलओ है. आई गेस यहां तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी. बहरहाल आगे बढ़ते हैं 2.9 की जानिब. दैट सेज डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. सो अब देखें आपने यहां तक कौन से एसएलओ ऑपरेटर्स पढ़े. सो पहले आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन एंड मॉड्यूलस. देन आपने पढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसे हमने अभी अभी डिस्कस किया. दूसरे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इन्हें भी हमने यूज किया. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपने पढ़े, रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने पढ़े, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने स्टडी किए. ये पांच टाइप के ऑपरेटर्स आपने पढ़े. ओके, अब इनको आप इनको यूज करना समझ गए, लेकिन ये कंप्यूटर कंपाइलर से कैसे लेगा उसको भी आपने समझना है आने वाले एसएलओस में. इसलिए आपको पता होना चाहिए यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है. सो फॉर दैट लेट्स ओपन अवर पीपीटी. आपके पास ये जो हैं, ये सारे के सारे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास हमेशा, जितने भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, मतलब पांचों के पांचों यानी जब भी यूज करेंगे, तो आपके पास है ना दो ऑपरेंड होंगे. अब ऑपरेंड क्या होते हैं, तो ऑपरेंड की बात आ गई, तो मैं ऑपरेंड का मैं बताऊं. मैं लिख रहा हूं 16 प्लस 5. ओके, तो मेरे पास प्लस क्या है, ये एक मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है. ओके, जैसे हम कहते हैं एडिशन ऑपरेटर. लेकिन आपके पास 16 और 5, ये दोनों आपके पास कहलाते हैं ऑपरेंड्स. ओके, तो मैं इसे लिख लूं, 16 एंड 5 आर ऑपरेंड्स. ओके, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड्स. फाइन, सो आप जब भी ये प्लस का काम कर रहे होंगे, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे, तो आपको चाहिए दो ऑपरेंड्स. ओके, एटलीस्ट दो चाहिए, या कहें आप
एटलीस्ट नहीं सॉरी फॉर दैट, आपको दो ऑपरेंड्स चाहिए फॉर परफॉर्मिंग वन एडिशन। देन अगर मैं ऐसे वापस दूसरी एडिशन करूं 56 कर रहा हूं आप, तो मैं क्या करूंगा, ये ऑपरेंड देखूं तो इसके इर्द गिर्द कितने हैं, दो ऑपरेंड है। ये वाला ऑपरेटर देखूं तो इसके इर्द गिर्द कितने हैं, दो ऑपरेंड है। तो मतलब एक ऑपरेंड दो एडिशन वाले ऑपरेटर्स के या दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऑपरेंड हो सकते हैं, लेकिन हर अर्थमेटिक ऑपरेटर के पास दो ही ऑपरेंड होंगे। ओके, सो अगर मैं यहाँ में मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे को दो वैल्यूज चाहिए, या कहो दो ऑपरेंड चाहिए। डिविजन करूं तो भी मुझे दो ऑपरेंड चाहिए, माइनस करूं तो भी मुझे दो ऑपरेंड चाहिए। तो ये दो की जो जिबानी है ना, इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, जहां पे आपको दो ऑपरेंड की नीड हो। सो आपके पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये आपके पास ऑल आर बाइनरी ऑपरेटर्स, मींस टू ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेंड वन जो है वो ए है, ऑपरेंड टू आपके पास बी है, और बीच में प्लस क्या है, ऑपरेटर है, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विच नीड टू ऑपरेंड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये भी आपके पास सारे के सारे जो है ना, वो आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, सो बाइनरी क्यों है ये बात की जाए तो आपके पास देखें दो वैल्यूज होंगी तो ही रिलेशन बनेगा ना, दो वैल्यूज होंगी तो ही कंपेयर करेंगे ना, ए और बी दो बंदे होंगे तो ही हम उनकी क्वालिटीज को कंपेयर करेंगे, फला जल्दी पढ़ लेता है, फला थोड़ी देर पढ़ता है, फला ज्यादा देर पढ़ता है, तो हम कंपेरिजन के लिए क्या, दो बंदों को लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें दो चाहिए, दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स चाहिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को। सो ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। ओके, तो एंड और ये दोनों आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। हालांकि देखें नॉट वाला ऑपरेटर ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर होता है। अब यूनरी ऑपरेटर का किस्सा आ गया, तो यूनरी मतलब वो ऑपरेटर जिसे एक्शन परफॉर्म करने के लिए ओनली वन ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट हो। सो जो एक ही ऑपरेंड में से खुश हो जाता है, दैट इज यूनरी ऑपरेटर। सो ये आपके पास नॉट वाला जो है वो यूनरी ऑपरेटर है। ओके, आगे चलें, आपके पास ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये भी आपके पास सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये वाला भी आपके पास सिलेबस में है, मॉड्यूलस वाला, फर्स्ट मॉड्यूलस देन असाइनमेंट, तो ये भी आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स में आ जाता है, बाकी नीचे वाले आपके पास सिलेबस में नहीं है। सो आई होप यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट हो गया होगा कौन सा मतलब बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यूनरी वो ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें एक ऑपरेंड चाहिए होता है काम करने के लिए, और बाइनरी ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। या सिंपल कहो, यूनरी ऑपरेटर को एक वैल्यू चाहिए होती है, बाइनरी ऑपरेटर्स को दो वैल्यूज चाहिए होती हैं टू परफॉर्म एक्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात आ जाए तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे प्रोग्राम करके, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स का दिखाऊंगा कि कौन सा है। सो बस यहां तक आपको मैंने बता दिया कि आपके पास अर्थमेटिक बाइनरी होते हैं, रिलेशनल बाइनरी होते हैं, लॉजिकल में नॉट के अलावा दो जो और हैं एंड और वो आपके पास बाइनरी होते हैं, बाकी नॉट आपके पास वो होता है यूनरी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपके पास यूनरी होता है, बाकी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर ये आपके पास बाइनरी होते हैं। ओके, सो लेट्स सी देयर प्रोग्राम्स नाउ। सो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ एक डेटा टाइप ले ली, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू 4, ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 4। ओके, अब देखो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो इसको यूज करने के लिए मैंने एक ऑपरेंड मेरे पास ए है, दूसरा ऑपरेंड मेरे पास बी 4 है। ओके, तो मैं ए और 4 में से अगर कुछ भी हटा दूंगा ना तो मेरे पास एरर आ जाएगा, बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर को क्या चाहिए, दो ऑपरेंड्स, हेंस इट इज बाइनरी ऑपरेटर।
बात की जाए आगे चलें तो मैं यहाँ पे बी को भी क्रिएट करता हूँ बी, और उसे मैं 5-6 रख देता हूँ। देन मैं कहता हूँ कि बी जो है वो सी ए से छोटा है। मैं ऐसे कंपैरिजन कर रहा हूँ, हालांकि ये कंडीशन फॉल्स है, जीरो आएगा। तो मैं कह रहा हूँ बी जो है सी से छोटा, ए से छोटा है। तो यहाँ पे एक ऑपरेंड मेरे पास ए है, दूसरा ऑपरेंड मेरे पास बी है। ओके, देखा जाए ये कंडीशन फॉल्स है। तो ऐसे भी आपके पास दो ऑपरेटर्स चाहिए, देयरफॉर वी से इट इज बाइनरी। आगे चलें प्लस प्लस वाले को देखें, मतलब इंक्रीमेंट वाले को देखें। तो इंक्रीमेंट हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस ए। तो ये आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये आपके पास ऑपरेंड है। तो आपके पास ये वाला ऑपरेंड मतलब इसे क्या है, एक ही ऑपरेंड चाहिए, देयरफॉर वी से इट इज यूनरी ऑपरेटर। अब हमने कहा था नॉट भी यूनरी ऑपरेटर होता है, तो मैं कह सकता हूं कि नॉट कहां गया, ये रहा नॉट बी। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी बी के उल्टी। ओके, मतलब कंडीशन अगर बी क्या है, वन आएगा, तो आपके पास नॉट बी लगा हो तो वैल्यू आपके पास आएगी जीरो। तो आप इस कंडीशन को उल्टा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नॉट ए इज लेस देन बी। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन देखूं। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली ये जो मैंने पूरा सिलेक्ट किया हुआ, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो वो एक ऑपरेंड कहलाएगा। ओके, सो इसके अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो नॉट उसे फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगी तो नॉट उसे ट्रू कर देगा। देयरफॉर वी से नॉट जो आपके पास है वो यूनरी ऑपरेटर है। सो विद दिस गाइस आपका लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट होता है, जिसमें आपने डिस्कस किया, डिफरेंशिएट किया असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर को, साथ ही साथ बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट भी समझा, साथ ही साथ कौन से ऑपरेटर्स बाइनरी हैं, कौन से यूनरी हैं, वो भी मैंने एडिशनल बता दिया आपको। साहब भी एडिशनल में लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो को, सॉरी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।